भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद आइए अब देखते हैं अपने अग्रिम स्वास्थ्य संबंधी प्रभाग को, जिसमें आज हम पार्किंसन रोग के बारे में जानेंगे। यह रोग मस्तिष्क में होने वाला रोग है। आयु बढ़ने के साथ पार्किंसन रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। पार्किंसन रोग की जल्द पहचान जरूरी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पार्किंसन रोग के लक्षण व उपचार के क्या विकल्प हैं। शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। कई बार मस्तिष्क के एक हिस्से में समस्या होने पर उससे नियंत्रित होने वाले अन्य अंगों की गति कम या अधिक हो जाती है। इसे मूवमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। पार्किंसन रोग भी ऐसी ही एक बीमारी है। पार्किंसन तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। पार्किंसन रोग को क्रॉनिक डिजेनरेटिव विकार भी कहते हैं। पार्किंसन्स डिजीज एक ब्रेन डिजीज है, जिसमें एक केमिकल जिसे हम डोपामीन कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से मरीज के शरीर में कंपन पैदा होता है, उसका काम कार्य में सुस्ती आ जाती है, जिसे हम ब्रेडिकाइनेजिया कहते हैं, और हाथ पैर सख्त हो जाते हैं, जिसे हम रिजिडिटी कहते हैं। आगे चलकर इस बीमारी में मरीज अपना बैलेंस यानी संतुलन खो सकता है। इस बीमारी का इलाज संभव है, बशर्त हम इसे पहले पहचाने। इसीलिए इन सब लक्षण अगर किसी में भी नजर आए तो आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कई कारक पार्किंसन रोग के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे अधिक आयु। 60 वर्ष की आयु से अधिक होने पर पार्किंसन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अनुवंशिक कारक, पूर्व में मस्तिष्क में लगी चोट, हानिकारक रसायन जैसे कीटनाशक और अन्य प्रदूषक तत्वों के संपर्क में आना, कुछ दवाओं का सेवन। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में पार्किंसन रोग होने की संभावना अधिक होती है। पार्किंसन डिजीज में और भी काफी सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसके लिए स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर ये बीमारी दवाई से ठीक ना हो तो एक नई तरह की सर्जरी, जिसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी कि DBS कहा जाता है, वो भी किया जा सकता है। अनेक शोध कार्य चल रहे हैं जिससे इस डिजीज से ग्रसित मरीजों को राहत मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इस बीमारी को पहचानिए, इसके बारे में जानिए और इसके लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। परिवारजनों को इस मरीज के लिए सहानुभूति रहना भी बहुत जरूरी है। पार्किंसन रोगी के कमरे में कुछ बदलाव करना आवश्यक है। फर्श से चीजें हटा दें जिससे व्यक्ति के गिरने की संभावना कम हो। कारपेट को हटा दिया जाए। फर्श अधिक चिकना या फिसलन वाला ना हो। साथ ही कमरे में अंधेरा न रहे, कमरे में हल्की रोशनी रखें। पार्किंसन रोगी के बाथरूम में भी कुछ बदलाव करना अनिवार्य है। नॉन स्किड रबर मैट का प्रयोग करें, साइड रेलिंग लगवाएं, कॉर्डलेस या मोबाइल फोन साथ रखें, दांत साफ करना, शेविंग, बाल बनाना जैसी क्रियाएं बैठकर की जा सकती हैं। कुछ सावधानियां रखकर पार्किंसन रोगी को जटिलताओं से बचाया जा सकता है, साथ ही गिरने की संभावना को भी कम किया जा सकता है। पार्किंसन रोग समय के साथ बढ़ता है और रोग के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जो रोगी के जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए दवाओं और इलाज की आवश्यकता होती है। दवाओं के अलावा ब्रेन स्टिमुलेशन भी मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे पार्किंसन की बीमारी में काफी कारगर है। नई तकनीकों से पार्किंसन रोग को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन शैली में बदलाव से पार्किंसन रोगी के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। किरण भारद्वाज, TD न्यूज। बात स्वास्थ्य से